दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण को जिस पानी से आप स्नान करवाएं, उसमें यमुना जी का पानी जरूर मिक्स करें। आज भगवान कृष्ण को यदि आप यमुना जी के पानी से स्नान करवाते हैं, तो आपके जन्मों के पाप कट जाते हैं। भगवान कृष्ण को शहद से स्नान करवाएं, दही से स्नान करवाएं, दूध से स्नान करवाएं, जल में हल्दी या केसर मिलाएं, उससे भगवान कृष्ण को स्नान करवाएं। ये तमाम चीजें आपके घर में सुख और समृद्धि को लेकर के आती हैं। और यमुना जी का पानी तो रामबाण उपाय है। भगवान को आज के दिन यदि यमुना जी के पानी में स्नान करवाया जाए, तो कहते हैं व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूरी होती हैं। कोशिश करें, अगर कहीं से भी आप अरेंज कर पाते हैं, तो यमुना जी के पानी में ही भगवान कृष्ण को आज के दिन स्नान करवाएं। खुद भी स्नान के पानी में यमुना जी का पानी जरूर ऐड करें। जय श्री कृष्ण।